everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Yogita and I hope you all are doing well and staying safe. So guys, अभी हम लोग निकल गए मनसा देवी को ट्रैवल करने के लिए और वो भी थ्रू उड़न खटोला, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी इस वजह से हम लोग यहाँ से जा रहे हैं. अभी मैं दिखाती हूँ कैसा रहता है हमारा सफ़र, सो स्टे ट्यून्ड गाइज. चलो गाड़ियाँ भैया चला लिए, 50 के दो है वहाँ, 100 के दो लोग, 50 के दो है वहाँ, 100 के दो लोग. बोल दी आवाज नहीं आएगी मेरी. गाइस यहाँ पर जो है टिकट काउंटर है मनसा देवी जाने के लिए, और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ मनसा देवी जाना है तो 145 में ट्रॉली में उड़न खटोला में अप एंड डाउन है, और अगर हमें मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के लिए ट्रेवल करना है तो ये 445 में कम्बाइंड टिकट है. अगर आप आओ तो इस बात का जरूर ध्यान रख लेना, और नो मास्क नो एंट्री, इसलिए हमने सबने मास्क ले लिए हैं. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना से गाइस मनसा देवी में आने से पहले यहाँ पर इस तरीके की चेकिंग हो रही है, और ये उड़न खटोला के लिए इतनी लंबी लाइन है. ओ बेटा ये तो डर लगने वाला सीन है, इसमें पूरी खुली है गाइस, मैं बहुत डरने वाली हूँ, मुझे पता है गाइस ये यहाँ पे का वेटिंग रूम है, बहुत लंबी लाइनें लगता है मुझे. गाइस हमारा वेटिंग नंबर 48 है और अभी 34 चल रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है. आई डोंट नो कि हमें कितना टाइम लगने वाला है अभी यहाँ पर. गाइस अभी जो हमारा वेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो इतना वेट करने तक हम लोग जो थोड़ा सा अपना पेट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अभी बज चुके हैं 12 और हमारी शक्ल में भी 12 बज चुके हैं. हम तो थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं हल्का हल्का, भगवान जी माफ़ कर देना, सॉरी चले गए थोड़ा बहुत. और कुछ शक्ल देखो सबकी, सब काले हो चुके हैं धूप में. कुन्नू ये भी है, दो बेचारे, किसी में एनर्जी नहीं बची है. पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम उड़न खटोला में उड़ते हुए. पेट बिल्कुल जड़ तक भरा हुआ है और जबरदस्ती खा रहे हो धीरे धीरे, वरना हमें वहाँ भी चेयर नहीं मिलेगी बैठने के लिए, जगह ही नहीं है बैठने की. आने पे फालतू बैठे नहीं देंगे, खा देंगे उठो उठो. गाइस ऐसी वेटिंग स्लिप मिलेगी आपको, और यहाँ पर आपको ऐसे वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और अभी भी हमारा नंबर जो है यहाँ पे 48 है, और हम लोगों ने खाना पीना थोड़ा बहुत नाश्ता टाइप कर लिया है, उसके बावजूद भी अभी जो है 42 नंबर चल रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा. मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा जब वो तीर्थ स्थल या ऐसी चीज़ें होती होंगी तब कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर, अभी इतनी भीड़ है जब. और गर्मी तो गाइस बहुत ही ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. गाइस फाइनली थोड़ा वेट करने के बाद अब हमारा नंबर आ गया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं उड़न खटोला में. वेटिंग नंबर 47, वेटिंग नंबर 48 और 48. गाइस फाइनली हमारा नंबर आ गया है, हाउ मच एक्साइटेड यू आर. आ गया है 48 के इंतजार के बाद हमारा नंबर फाइनली आ चुका है, हम लोग जा रहे हैं उड़ान के. और मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तुम्हें लग रहा है? बिना खिड़की के केबल कार, अब देखते हैं गाइस कैसा है केबल कार. As you guys can see, मैं कितना excited दिख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ तो बहुत excited हूँ मैं. तो excitement मेरे चेहरे में दिख रही होगी आप लोग को, बहुत ज़्यादा excited हूँ. और डर मेरे चेहरे में दिख रही होगी. इतना ज़्यादा excited हूँ कि मेरा शक्ल तुम देख सकते हो, और ये लोग 880 में 6 लोगों को एक चक्कर मेला घुमाते हैं. ऐसे ही हमारे किसान मेला में भी होता है, किसान मेले में वो 20 रुपये टिकट लेते हैं या 880 रुपये टिकट लेते हैं 6 लोग का. चलो चलते हैं हम, ठीक है भाई.
यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है वेटिंग एरिया में। हर जगह चढ़ने लगे तो नीचे फूल है ये और है ना सर वो देखो और आगे जाना है। अरे कमिंग फास्ट वेरी फास्ट इसकी बटिंग चेहरा देख के लगी क्या तो गाड़ियां ही आ रही है चंद मत करने यार प्लीज देखो इसको हिल रहा है है, मुझे तो फोन की टेंशन हो रही फोन गिर गया तो मेरा क्या होगा ये तुम्हारी ब्लॉगर को देखो तो ये है एक्सप्लोरर और इसके हाथ देखो हिल नहीं रहे वहाँ से और एक हाथ यहाँ पे और इसने तो टाइटली पकड़ा हुआ है ना इसको नहीं नहीं बाइक पूरा जा रखी बाइक का कंडीशन आने में गाड़ी भी जा सकती यार मुझे सच में ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है बंदर भी है दीदी बंदर भी है ये देखना बंदर तार के साथ खेल रहे हैं बंदर तार के साथ खेल रहे हैं दीदी दीदी बंदर तार के साथ खेल रहे हैं तुम ज्यादा हिलो मत ना यार प्लीज थोड़ी लागो बोल नहीं बच गए जी बंदर तेरे को झावड़ मार के चले गया तो इसको मारो चापर इसको मारो देख रहे हैं झावड़ मारने तक ये ला हम सही बना बंद हो जाए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग माँ मनसा देवी के उसमें तो भैया चप्पल निकाल रहे हैं भाई इसमें डालते हैं मनसा देवी के मंदिर में बहुत ये पूरा मनसा देवी का पूरा प्रांगण है गंगा जल से हाथों को पवित्र किया गया लगता है गंगा जल से जय हो मनसा मैया वो सामने हमारा मंदिर परिसर निःशुल्क जूता और चप्पल का स्टोर ये राम मनसा देवी मंदिर का एंट्री द्वार लेकिन मुझे लगता है कि हम खो चुके हैं हमारे बाकी लोग सब गए और मैं अकेला यहाँ पे अच्छा अब देखिए दूर ये हमारी भक्त मंडली एक दो तीन चार पांच और मैं छठा धीरे धीरे हम मंदिर के आगे बढ़ते हुए माँ मनसा देवी के दर्शनों के लिए के
आप लोगों ने माथा टेको, इच्छा होगा तभी दान करना, तो हो कर देना उसकी इच्छा होगी। जय 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 देवी मंदिर का मुख्य द्वार दर्शन कर कर आ गए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत ख़तरनाक वाली भीड़ है, बट फिर भी धीरे धीरे करके हमारा नंबर आ ही गया और डीके के ऐसे हाल हो रहे हैं और अभी हम लोग वापस वेट कर रहे हैं उड़न खटोला का। मेरे को तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है, इतनी ख़तरनाक डर लग रही थी ना मुझे बहुत ज़्यादा, बट फिर भी हमें जाना तो उसी रास्ते से पड़ेगा। तो आप वेट कर रहे हैं पानी जाते वक्त भी हमें बहुत सारी सॉरी आते वक्त भी हमें बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ा था और जाते वक्त क्या सेम हाल है, सेम बहुत लंबी लाइन। बेटा उड़न खटोला ज्यादा स्पीड में जाते हुए और इसने धुआं निकाल दिया। ए बेटे बेटे तुम इतने आराम से क्यों बैठे हो? अगर रुक गया तो बीच में कुछ नहीं होता, डीजल तो रुक गया तो दिक्कत नहीं है, ये रुकेगा नहीं वैसे भी, अभी तो रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, गिरना नहीं चाहिए यहाँ पे, बहुत रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, बस गिरना नहीं चाहिए, गिर गया तो दिखाएंगे। रुक वो अरे खंभा रहे नहीं मतलब वो बेटा ऐसा लगा कि टकराया, वो तेरी सारा झटका मार दे अभी टकराएगा, देखो ये खंभा आ गया, अभी खंभा आते ही पड़ेंगे झटके, अब यहाँ पे टकराया अब पड़ेगा झटका, रेडी रेडी फॉर द झटका, हल्का सा था ये। अरे कुणाल लोग तो बहुत दूर है ना हमसे, अभी नीचे जाते फिर भी डर नहीं लग रहा है। अभी हम लोग जो है मंदिर के दर्शन पूरे हो चुके हैं और अभी हम लोग जो है गेट से बाहर एग्जिट लिखे हुए और इसमें लिखा हुआ है माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। सो गाइस
अभी फाइनली जो है मैं ब्लॉग की एंड करती हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वाला थक गए हैं आज सबके सब। एक तो इतनी धूप हो रही थी इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली हम लोग अभी अपने रूम में पहुँच गए हैं। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद के प्लान अभी हमारे 5 या 6 के अराउंड स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक के लिए हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी लो हो चुकी है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको जो है मनसा देवी के दर्शन हुए होंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ जो है इस व्लॉग को जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जो है माता रानी के दर्शन हो जाएं। तो इसलिए गाइज बाय बाय, स्टे ट्यून्ड गाइज़।